लाठी उठा के मार रहे हैं आप, घर में घुस के मार रहे हैं आप। क्या आपके किसी एमएलए या किसी मिनिस्टर के बच्चे को अगर पुलिस की लाठी लगेगी तो क्या आप और हम खामोश बैठेंगे? वो गरीब के बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है, मैं कह रहा हूं अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा ऑल सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद। देखता हूं किसकी हिम्मत है, किसको मारते हैं। ठीक है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, हुकूमत रहेगी, हुकूमत रहेगी। सर ये क्राइम बढ़ रहा है, औरतों पर मजालिम बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर वो हो रहा है, लेकिन हमारी पुलिस। और सर ये यस्टरडे आई वेंट, मेरे घर से निकल के मैं 11 बजे आई हैड टू गो अटेंड वन मैरिज, आई वेंट सर 10:30 बजे ओल्ड सिटी में लाठियां बरसाते हैं पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस के सामने, नीलोफर होटल और वो शराब की दुकान पूरी जबरदस्त। मैं दावत से जाकर आने के बाद भी 12 बजे तक खुला है, कमिश्नर साहब की आंख बंद है या फिर कमिश्नर साहब के ऑफिस में, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो भी डिग्निटरीज बड़े आते हैं तो पूरी चाय स्नैक्स और बॉटल्स पूरे वहां से आ रहे बोल के बंद नहीं कर रहे उनको, और गरीब को बंद करते मारते पीटते आपकी आंख के सामने दुकानें खुल रहे और आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन पुराने शहर के गरीब लोग घर से बाहर निकलते हैं, आईटी में कॉल सेंटर से घर को वापिस आ रहे हैं तो मार रहे हैं पीट रहे हैं, ये क्या जुल्म है बताइए आप। मैं आज ये बात कह रहा हूं और ये भी बात कह रहा हूं पैनल स्पीकर साहब, अगर हरीश राव साहब भी मेरे साथ आना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से एक पीआईएल डालने वाला हूं हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ, उनकी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, अगर ये बंद नहीं होगा। इफ आई गो टू द कोर्ट इज गोइंग टू क्वेश्चन मी एंड आस्क मी, यू आर अ लेजिस्लेचर, यू आर अ फोर फ्लोर लीडर ऑफ योर पार्टी, यू आर अ सीनियर लेजिस्लेचर, व्हाई हैव यू नॉट स्पोकन इन द हाउस अबाउट दिस इशू, why have you not brought to the notice of the government? So I have done my duty. If still the government is not going to act upon the atrocities, the negligence and the failure of the police and correct themselves, then I will be forced to go to the court. I'll be forced to go to the court. It's the failure. I'm going to go to the court. Aur ye Hyderabad ka naam, Hyderabad ka brand ko kharab kar rahe hain. और मारना पीटना क्या है साहब, आप एक खुसुरवार को फांसी पे लटकाइए, आप मार नहीं सकते, आप लाठी उठा के मार रहे हैं, आप घर में घुस के मार रहे हैं आप। क्या आपके किसी एमएलए या किसी मिनिस्टर के बच्चे को अगर पुलिस की लाठी लगेगी तो क्या आप और हम खामोश बैठेंगे? वो गरीब के बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है, मैं कह रहा हूं अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा ऑल सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद। देखता हूं किसकी हिम्मत है, किसको मारते हैं। ठीक है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, हुकूमत रहेगी, हुकूमत रहेगी। हम गांजा बंद करो कह रहे हैं, शराब बंद करो, मुजरिमीन को जेल में डालो हम कह रहे हैं, मासूमों को नहीं मारो, मासूमों को नहीं मारो, मासूम को मार रहे हैं। गांजा कहां से आ रहा पुलिस को नहीं मालूम, सब मालूम। शराब कहां से आ रही नहीं मालूम, सब मालूम। सट्टा कहां हो रहा नहीं मालूम, मालूम, सब मालूम। पुलिस बंद करना चाहती है तो एक दिन में बंद कर सकती है, नहीं बंद करना चाह रही इस वास्ते आ रहा है, ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर सब आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देगी और मासूम लोगों को मारने पीटने से रोकेगी। सर दो ओवरऑल क्राइम रेट, अरे आप बैठ जाओ आप लोग बैठ जाइए, जरूरत नहीं है, बोलने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे मेरी बात को। जीएचएमसी का इलेक्शन है, पुलिस की नाराजगी होगी, शहर में पहले आपकी तादाद कम है, मजबूर हो रहे हैं यहां से लेने के लिए, है तो कुछ नहीं है, अब उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं, करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। करेक्ट नहीं करना चाहते तो ना करें, लॉ एंड ऑर्डर के वक्त हुकूमत को पता चलेगा कि क्या होगा, पता चलेगा।
अरे जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी पे आवाज उठाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। हम खामोश बैठने के लिए नहीं आए। आपके जैसा एक मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा नहीं आए, तीसरी मर्तबा आए, चौथी मर्तबा नहीं है, छह मर्तबा बार बार आया हूं। इस वजह से आया हूं कि बेबाक हूं और किसी से डरता नहीं हूं और अपनी बात को बयान करता हूं। कोई किसी की मजाल नहीं कि हमारी बात को रोके। ओवरऑल क्राइम रेट ऑफ इंक्रीज बाई 2% इन 2023,